नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, आ चैनल में तमारू स्वागत छे। आजे आपणे तारीख 17/9/2022 ना रोज लेवारनार सामायिक मूल्यांकन कसोटी जेमा धोरण 7 विषय हिंदी जेनो समय छे 1 कलाक अने कुल गुण छे 25 जेनो आपणे संपूर्ण सोल्यूशन जोईशुं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। 1, सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? तो डी, चिड़िया। 2, पाटण कहाँ है? ए, उत्तर गुजरात में। 3, खाली जगह की टेर सबको प्यारी लगती है? तो ए, पपी है। 4, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो डी, गुणों की खान। 5, सुबह दुनिया पर कौन मुस्कुराता है? तो सी, कलिया। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, कलिया दरवाजे खोल खोल जब खाली जगह पर मुस्कुराती है? तो दुनिया। 2, बंजारा अपने कुत्तों के से खुश था? तो वफादारी। 3, पंथ है निराले सबकी तो एक है? तो मंजिल। 4, हिंद देश के सभी जन एक है? तो निवासी। 5, कई लोग की बातें करते हैं उन्हें अपनाते नहीं? तो आदर्श। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। उत्तर, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम, तो गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के लिए रबर और रबर बैंड आदि। बीजू, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? उत्तर, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। 3, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? उत्तर, मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। 4, राधनपुर कहाँ है? उत्तर, राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है। 5, आपको प्रभु की याद कब आती है? उत्तर, तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। 6, हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? उत्तर, हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। प्रश्न 4, पात्र परिचय कीजिए। 1, सेठ। उत्तर, सेठ राधनपुर का रहने वाला था, वह दूसरों की वस्तु गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर धन देता था। सेठ ने लाखों बंजारों का कुत्ता गिरवी रखकर उसे बड़ी रकम उधार दी थी। सेठ दिल का अच्छा था और गुण की कीमत करना जानता था। लाखा बंजारे के कुत्ते की वफादारी पर खुश होकर उसे मुफ्त कर दिया और लाखा का कर्ज भी माफ कर दिया। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, कवि को ईश्वर की कब याद आती है? उत्तर, चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलाती है, बरसात में बूंदे गिरती है और बिजली चमकती है, मैदानों, वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है। इन सभी अवसरों पर कवि को ईश्वर की याद आती है। 2, हमारे देश में विविधता में एकता कैसे है? उत्तर, हमारे देश में रूप, रंग, वेश और भाषाएं अनेक है, तरह तरह के फूलों को गुथने पर एक माला बन जाती है। उदाहरण, कोयल, पपीहा और बुलबुल के गाने का राग एक होता है। उदाहरण, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और कावेरी आदि नदियां अलग अलग होने पर भी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। उसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी एकता है। राष्ट्र प्रेम ने अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों को एकता में बांध दिया है। हमारी राष्ट्रीयता की भावना में एकता है। 3, कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो
जल्दबाजी में उसी पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारे की तरह पछताना पड़ता है। थैंक यू वाला विद्यार्थी मित्रों।